DIY वीडियोस देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और उनको देखकर बनाने का मन भी करता है, लेकिन जब हम इन्हें बनाने जाते हैं ना तो ये इतने परफेक्ट नहीं बन पाते। तो ऐसा मैसेज मुझे कल एक इंस्टाग्राम पे आया था, तो आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि एक तो प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा बताया गया है आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करोगे तो आपका भी रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो आज हम बनाएंगे ये एक हैंगिंग लैंटर्न, जो कि बहुत ही ईजी है बनाने में। और ये जो डिस्पोजेबल स्पून्स होते हैं, प्लास्टिक के भी चलेंगे या ये जो वुड वाले होते हैं ये भी चलेंगे। इनको आपको कार्डबोर्ड पे इस तरह से चिपकाते जाना है, और एक लोटस फ्लावर का हम इसमें शेप दे रहे हैं। तो ये दूसरी लेयर भी मैंने इसमें लगा दी है स्पून की, और अब मैं इसमें एक थर्ड लेयर भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब इसको और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं ये जो स्पून्स हैं इनको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ, उल्टा करके लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से पूरा हमारा फ्लावर हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको लोटस फ्लावर को हैंगिंग बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास एक ये फेरी लाइट जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसका ये तार मैंने यूज़ किया है। आप कोई भी पतला तार इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपको फेविकोल, फेविक्विक या फिर ये ग्लू गन की मदद से बहुत स्ट्रांगली उसको फिक्स करना है। तो उसके लिए इस पर कार्डबोर्ड लगा देंगे ताकि ये एकदम फिक्स हो जाएगा। अब इसको हमको जो है ये वायर जो है ये इसको इसमें हम ये थोड़े से पर्ल्स डाल देंगे। तो आपके पास जो भी पर्ल्स अवेलेबल हो, या फिर आपके पास पर्ल्स नहीं है तो आप इसमें लेस लगा के भी इसको कवर कर सकते हैं। और इस तरह से इसको दो नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे, और ये हमारा जो हैंगिंग लैंटर्न है वो रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा और फेस्टिव लुक देने के लिए मैं इसको पूरा गोल्ड कर रही हूँ। तो ये हमारा हैंगिंग लैंटर्न बिल्कुल रेडी है, और ये आसानी से बन जाता है। और आप इसको कहीं भी विंडो पे या अपनी बालकनी में या डोर के साइड में हैंग कर सकते हैं। अब जो स्पून थे वो तो हमने यूज़ कर लिए, लेकिन उसके जो नीचे का पोर्शन है स्टिक वाला वो बच गया है। तो उनको हम वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, तो उससे हम बनाएंगे ये छोटा सा क्यूट सा प्लांटर या फिर कैंडल होल्डर। तो इस तरह से आपको पूरे टेप रोल में इसको लगा देना है। ये मेरे एक टेप का रोल था तो मैंने उसको यूज़ किया है, और इस तरह से देखिए ये पूरा बन गया है। और इसको फेविकोल से आप पूरा चिपका देंगे, और नीचे भी हम यहाँ पे रखने के लिए इस तरह से यहाँ पे एक बेस बना देंगे। थोड़े से इसमें हम बीट सेट कर देंगे, और कुछ लेस से इसको डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारे क्यूट से प्लांटर और कैंडल होल्डर रेडी हैं। आपको ये दोनों आइडियाज़ कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ नेक्स्ट DIY में। तब तक के लिए बाय बाय।